सो के ही हमारा जो है डिनर हो गया है। फ्रिज में सारा सामान रख दो, सब्जी सब्जी डिनर हो गया है, फ्रिज में सामान रख दो। और ये लाए थे नारियल के लड्डू, बट मुझे पता नहीं क्यों कभी नारियल के लड्डू पसंद ही नहीं आए। नारियल के लड्डू पता नहीं क्यों नारियल ही पसंद नहीं है मुझे, बट नारियल खाना चाहिए। देख सकते हो फ्रेश में कुछ खाने के लिए है, नगेट्स हैं, स्वीट फूड, चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, गैलेक्सी है, लेमन आला। तो ये खा लेते हैं, थोड़ा मीठा खाने की क्रेविंग है तो नगेट्स खा लेते हैं, वो आफ्टर डिनर वाली जो क्रेविंग होती है ना। और हाँ, थोड़ी सी कोक ही और पड़ी है, इसको पी लेते हैं, वरना ये ना गैस की जगह पानी मिलेगा इसमें, और वैसे भी ऑलरेडी पानी हो गया होगा। तो ये पी लेते हैं और ये थोड़ा सा नगेट्स खा लेते हैं। और फिलहाल कल की चोट मुझे लगा कि सिर्फ ये मेरे एंकल में लगी है, बट एक्चुअली ये मेरे लेग पे भी लगी है, ये ब्लू ब्लू पूरा नीला नीला हो गया है। और वहाँ तो कल के तूफान में अच्छी खासी चोट लग गई थी चेयर से, अब इसको ठीक होने में टाइम लगेगा। फिलहाल नींद बहुत आ रही है, टायर्ड हूँ मैं, हल्का फुल्का खाते हैं जब टीवी ऑफ करेंगे। मुझे टीवी चलता है तो नींद नहीं आती है, अंटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा टायर्ड नहीं हूँ तो फिर थोड़ा सा रेस्ट आएगा। लेकिन जो टीवी ऑफ और लाइट ऑफ करने के बाद नींद आती है ना, उसका मज़ा ही अलग है। छिपकली का है तो बच्चों पर डर लगता है, छिपकली छिपकली ला रहे हो? हाँ, और एक बिस्किट आती हूँ मैं। टाइगर चॉकलेट चिप्स होते हैं ना, उसमें तो मशीन लगाई है मैंने, थैंकफुल आज वेदर ठीक है। मन नहीं कर रहा यार बाहर आने का, वेदर तो ठीक है, बाहर आने का मन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बस नहीं कर रहा। और जाती हूँ कपड़े डालती हूँ, और ये कब तक मेरे कुछ खाने के लिए आते हैं, क्योंकि हर्षीज से मेरी हर्षीज चॉकलेट खाई थी उससे मेरी क्रेविंग दूर नहीं हुई। थैंकफुली कल जो आंधी तूफान आया था ना उससे वेदर काफ़ी अच्छा हो गया है, काफ़ी बहुत अच्छा हो गया है। जो हीट वेव थी, जो लू थी ना जो रात में भी चलती थी, उससे रिलीफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सोच के भी इतना वो लगता है, मोर देन 1000 पीपल्स डाई ड्यू टू दिस हीट वेव। जो रात में भी गर्म हवा चल रही है ना, हम रूम में रहते हैं, एसी में रहते हैं, तब भी हमको इतनी गर्मी 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 कर रहे हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, बाहर नहीं निकल पाते हैं, झाँक नहीं पाते हैं। रात में मशीन नहीं लगा पा रही थी मैं, मतलब चक्कर आ रहे थे किचन में भी, बहुत सारी चीज़ें थी। और कितने लोग हैं जो बाहर काम करते हैं, पूरे दिन रहते हैं, सोच भी नहीं सकते हम, तो निकल भी नहीं सकते। तो गर्मी पड़े सर्दी पड़े, इतनी भी नहीं कि किसी की जान ही ले ले। तो चलिए फिलहाल मशीन खाली करती हूँ मैं, और जाके कुछ खा के उसके बाद रेस्ट रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट कहाँ जाने का प्रोग्राम है, नेक्स्ट कहाँ ट्रैवलिंग होता है। कौन सी मूवी देखेगी आयशा? जुरासिक वर्ल्ड, यूनिकॉर्न एकेडमी, बहुत सारी हैं है ना, कौन सी देखनी है आपको? मुझे बेबी बॉस, खाली बेबी बॉस, खाली बेबी बॉस, कोई अच्छी चीज़ लगा देना क्योंकि मैं भी देखूँ। तो फिलहाल किचन में चलते हैं, संडे 9 बजने वाले हैं रात के सुबह के नहीं। और डिनर रेडी है हमारा, क्योंकि आज मंगाया था मैंने सब्जी बाहर से मंगा ली थी, चिकन कोरमा, और रोटी तो मेरे आके बना गई थी क्योंकि नान डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम और बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। अभी मंगाया था ये पिज़्ज़ा पे, पिज़्ज़ा बनाने के लिए एक और मंगा लिया था क्योंकि ओके तो पिज़्ज़ा मंगा लिया था, पिज़्ज़ा बेस आई मीन ट्राई करने के लिए, फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, आई रियली होप कि अच्छा बन जाए, बट मैं आज नहीं बना रही हूँ उसको, कल ही बनाऊँगी। आज मेरी हिम्मत भी नहीं है, कल से थोड़ा सा मेरे को बेटर फील हो रहा है, बट इतना भी नहीं। कल तो सारा टाइम नींद 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 नींद, आज इस रूम की साफ़ सफाई की अभी भी रहता है, कितना ये सारा साफ़ करना है, ये टेडी यहाँ से जाएगा, इसको हटाना है, बच्चों ने सारा फाड़ फूट के एक कर दिया, मतलब आधे से ज़्यादा घर तो बच्चे इतना इतना हॉश पॉश इतना मेसी कर देते हैं कि हद नहीं। और जब साफ़ सफाई करती हूँ ना इस रूम की, तभी आती हूँ मैं इस रूम में लेटने के लिए, थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, तभी अच्छा लगता है, वरना तो ऐसा फैला रहता है ना, ऐसे तैसे करते हैं ट्यूशन के बच्चे। फिलहाल जब डिनर होता है या रेडी होता है ना, तब कोई टेंशन नहीं है, टीवी देखेंगे, डिनर करेंगे। आयशा की फरमाइश थी चिकन खाना है, चिकन खाना है फिर से, तो फिर लेकर आए पापा, इतनी गर्मी में गए दोनों, ये पसीने में होकर आए, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी सी जो बारिश हो रही है ना, उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो बड़ी बेकार होती है, वो तो और ज़्यादा ड्राई गर्मी से और ज़्यादा बेकार है। तो खैर मैं तो अवॉइड ही करती हूँ इस टाइम में बाहर निकलना, क्योंकि ह्यूमिडिटी वाली गर्मी में ना मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, मेरे को एसिडिटी होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है स्टार्ट, अजीब सी सफोकेशन की वजह से। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हूँ, बाहर नहीं निकलूँ, बहुत लाइट खाऊँ एंड ऑल, तो लाइट तो खैर हो ही जाता है, कभी कभी हैवी भी होता है तो मैं बहुत थोड़ी सी क्वान्टिटी में लेती हूँ। तो फिलहाल देखते हैं, अपना टीवी वगैरह देखते हैं, रेस्ट रेस्ट करते हैं, फिर मंडे ऑनवर्ड्स वही रूटीन, वही शेड्यूल, वही सब। संडे ऐसे स्पेंड हो गया, आज स्विमिंग में नहीं गए, अभी गर्मी में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, बस घर में ही रेस्ट रेस्ट एंड रेस्ट। क्या लेके आई है मैडम के लिए? टोरेटोज और
के पैकेट जो तुमने फिनिश कर दिया ऑलरेडी है ना, सारा ख़त्म कर दिया होगा आई एम श्योर, बचाया तो नहीं होगा, एक बचाया उसको भी खा लो, इतना पैकेट होता है यूनिक थोथ रहा गाँव नहीं, एक बार में सारा ख़त्म करना है मीन्स करना है, रिकॉर्ड बनाना है या पता नहीं क्या टेंशन है, ये बस खाना है तो खाना है, तो इसका इसकी बारी आ जाएगी, बाहर से कुछ आएगा तो छोड़ना नहीं है, है ना, सारा एक बार में खाना है। मज़ा आया गर्मी में, कैसी लगी गर्मी? बहुत अच्छी नहा भी लिया पर पसीने में, और एसी भी चला ली और ड्राई भी हो गई। रोजी दो आयशा सबसे बना रही है ये बलून जो NFC से लेकर आई थी, फिलहाल मैंने इसके नीचे वाली स्टिक निकाल दी अलग से, और ये हमारे पास ये माला पड़ी थी दो बहुत पुरानी, कल मैंने सफाई की थी उस रूम में की, तो वहाँ से उसकी अलमीरा से मिली मुझे ये, तो ये तब से लगी है डेकोरेट करने में, और अच्छा लग रहा है डेकोरेट करके। एक पिंक वाली भी लगाई थी, उसने वो हटा दी, ये पिंक वाली भी लगाई थी, और अभी इन्होंने प्रभजोत देखिए ख़त्म किया, और अब प्रभजोत की दूसरी फैमिली नेक्स्ट फैमिली उनके दीदी और जीजा जी की फैमिली का ब्लॉग किरत ब्लॉग देख रहे हैं, कनाडा गए हैं अभी कनाडा। तो फिलहाल डिनर हो गया है हमारा, और अब करेंगे हम रेस्ट टू। आयशा तो मोबाइल में घुस गई, मौका देखते ही चौका मारती है ये, जहाँ हमारी नज़र हमारा ध्यान कहीं तो उधर भटका तो बस मोबाइल पर छपट्टा, सीधा मोबाइल पर छपट्टा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज हमारा थोड़ा सा मार्केट जाने का प्लान था, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा ऐसी डल है, रिकवर होने का हो जाएगा। गया सारा। तो कल वल को देखते हैं या परसों थोड़ा सा बेटर हो जाऊँ, उसके बाद देखते हैं कहीं और, मेरे को गोल्फ खेलने का बड़ा मन है, गोल्फ कभी नहीं खेला मैंने लाइफ में, गोल्फ और वो बॉल पुलिंग जो होती है, क्या हुआ फिर तो, और कम पानी पियो, हाँ लिफ्ट ड्राई होते हैं तभी इसलिए होता है। तो फिलहाल देखते हैं, अभी नहीं, वेदर चेंज हो गया उसके बाद थोड़ा सा प्लान करते हैं, जो लाइफ में कभी कुछ नहीं किया, थोड़ा सा और एक्साइटमेंट करते हैं लाइफ में, कुछ डिफरेंट करते हैं, पहले थोड़ी सी गर्मी और ठीक हो जाए, क्योंकि बारिश की वजह से और ह्यूमिडिटी वाली गर्मी हो गई, और ये मेरे को बिल्कुल सूट नहीं करती, बर्दाश्त नहीं करती बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, फिलहाल घर में ही रेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी पर हेल्थ पर ध्यान देते हैं, पहले TV देखते हैं, रेस्ट करते हैं, मिलते हैं जल्दी से। देखो तुम अपना सतनाम श्री वाहे गुरु जी, हाँ जब क्या बोले बंगला साहिब बहुत अच्छा लगता है जाना, ये गुरबानी होती है ना एक ओंकार, आई जस्ट लव इट, बहुत सुनी है, आती भी है, ऑलमोस्ट आती है, पूरी तो शायद नहीं आती है, बट अच्छा लगता है, हर जगह जाना अच्छा लगता है, एवरीथिंग इज़ गुड, एवरी रिलीजन इज़ गुड। अरे मुझे वो दिखाया नहीं, वो मैं वो बोली थी बैठी, एक मिनट दोस्तों, कई कई बहुत आलस आता है, अभी पी लोग की वैसे ऑर्डर नहीं कर रहा, सोते फिलहाल ऐसा का बोलो, ऐसे का चॉकलेट मिल्क शेक आ गया, तो थैंकफुली इसी बहाने कम से कम पी तो रही है, और ये लाइन है आज वन मोर मेरी पसंद की बेडशीट, ओके ये है येलो, ये तो मेरी ड्रेस से ही मैच करी है, और मेरे फेस से ही मैच करी है, मैं भी येलो हो रही हूँ, होमोग्लोबिन कम हो रहा है, इट्स जस्ट 7, बहुत कम है, पता नहीं कैसे एकदम से इतनी जल्दी इतना लो हो गया, इसलिए वेजिटेबल सूप पीना है, चकुंदर गाजर अनार वगैरह, इस वजह से और भी ज़्यादा मेरे को डल और वीकनेस हो रहा है, और ये हैं इसके पिलो कवर्स, पिलो कॉटन खादी की बेडशीट है, तो देखते हैं अभी तो नहीं बाद में बिछाएंगे, गर्मी के लिए बहुत अच्छी है, हमने घर में अच्छी अच्छी बेडशीट्स और स्पेशली कर्टन्स, तो उसी से घर चमक जाता है, तो फिलहाल तो हम खा लिया नारियल की बर्फी जो कोई पसंद नहीं है, फिलहाल के लिए गुड नाइट, आई थी तो अपना चॉकलेट शेक इंजॉय कर रही है, और हम देखते देखते ये कनाडा देखते देखते ब्लॉग गुड नाइट करते हैं, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू वेरी सून।